दोस्तों फाइनली जो मैंने क्लेममीटर ऑर्डर किया था ऑटो रेंज वाला अमेजोन से वो आ चुका है। और इसकी जो अमेजोन की बॉक्स की जो पैकिंग थी थोड़ी बहुत लूज थी, तो मुझे शक हो रहा था, इसलिए मैंने जो इसे पूरा खोल के देख लिया था कहीं इसमें साबुन या पत्थर वगैरह निकल जाए इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो आप पता नहीं अमेजोन ने इसे क्यों पैकिंग दिया था, लेकिन मुझे प्रोडक्ट मेरा सही लगा इसलिए मैंने रिटर्न नहीं किया। वैसे आपको इस पर रिटर्न पॉलिसी मिल जाती है, अगर आपको पसंद नहीं आया तो रिटर्न कर सकते हो। और ये रहा हमारा मीटर, तो इसे अभी हम जो साइड रखते हैं, और इसके अंदर क्या है ये बिल वगैरह है इसे भी साइड रख देते, इसका कोई काम नहीं। चलिए, तो ये रहा हमारा क्लेम मीटर है, जो कि डिजिटल क्लेम मीटर आपको दिख रहा हूँ, लिखा आउटर रेंज का है, और इसका जो मॉडल नंबर है वो है CM2070FT। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं, क्या है देखते हैं इस बॉक्स में। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो तो आपके लिए बेस्ट है ये क्लेम मीटर, और इसका मैं आपको रिव्यू वगैरह दिखाऊंगा, साथ ही इसमें क्या फंक्शन मिलते हैं आपको वो भी सब कुछ इस वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको HTC की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और इसका जो मुझे क्वालिटी है ना बैग का वो बहुत मस्त लगा, क्योंकि अच्छा हैवी लग रहा है बैग, तो बैग की क्वालिटी तो बोलने का कोई काम नहीं है, एकदम सही है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओके, तो ये रहा हमारा मीटर, तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं। काफ़ी हैवी है वेट में, अच्छा है क्वालिटी लग रही है मुझे, अच्छा हैवी लग रहा है थोड़ा हैंड में, तो इसे साइड रखते हैं। और साथ में इसमें क्या मिल जाती है आपको वो भी देख लेते हैं, एक्सेसरीज़। ओके, तो यहाँ पे पैनासोनिक के आपको दो सेल मिल जाते हैं, ये भी थोड़े बहुत फटे हुए थे पता नहीं क्यों, पर कोई दिक्कत नहीं है, अपन को रिटर्न पॉलिसी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो रिटर्न कर सकते हैं। और साथ ही इसकी प्रॉप की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, मतलब एकदम लो क्लेस्ट भी नहीं है, मतलब मीडियम है, ठीक ठाक है। और साथ में आपको एक और यहाँ पे मिल जाती है, जो कि ये शायद हाँ टेम्परेचर चेक करने के लिए, जो कि कोई यूज़ करता नहीं है इसे, लेकिन फिर भी ये साथ में आया है। और साथ ही इसके अंदर क्या मिल जाती है आपको, सर्टिफिकेट मिल जाता है जिस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है HTC, बस इसे भी साइड रख देती है। और अब ये यूज़र मेन्यू वाले, आप चाहे तो इसे पढ़ के यूज़ कैसे करना है वो देख सकते हो, लेकिन आपको वीडियो में मैं बता दूंगा कैसे यूज़ करना है, आपको क्या क्या फंक्शन मिलते हैं। लेकिन मुझे कुछ भी कहो, बैग की क्वालिटी मुझे बस एकदम मस्त लगी, ठीक है। और ये रहा हमारा मीटर, तो इसमें हमें जो है पहले सेल डालना होगा, तो ये रही उसकी जगह, तो मैं यहाँ पे सेल डाल देता हूँ पहले, तो इसे ओपन करना होगा नट को। तो चलिए इसे ओपन करते, और ये रहे हमारे सेल। तो ये मैंने लगा दिया इसके अंदर, और इसका जो कवर है पीछे का वो भी लगा देते हैं, बैक कवर, और इसका स्क्रू जो है वो अंदर टाइट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो मीटर है वो ऑन हो चुका है, और साथ ही हम इसके जो प्रॉप है वो भी कनेक्ट कर देते हैं, तो इस प्रॉप को खोलते हैं पहले। ये रही प्रॉप, और इसे लगा देते हो यहाँ पे, इसके जो है यहाँ पे सील मिल जाती है छोटी सी, कुछ इसमें फंसा हुआ था, चलिए इसको निकाल देते। यहाँ पे आपको जो है नेगेटिव वाली में नेगेटिव वाली लगा देनी है, ब्लैक में ब्लैक, और रेड में रेड लगा देनी है आप। चलिए मैं आपके पहले तो इसके जो फंक्शन है वो क्या क्या है सब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये तो ऑफ है, यहाँ पे हमारा जो मीटर जो है ये क्लेम मीटर ऑफ हो जाता है। यहाँ पे मॉडल नंबर भी देख सकते हो, ऑटो पावर ऑफ, और यानी कि ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है ऑटो रेंज का ये पूरा CM2070FT AC क्लेम मीटर। ओके, अब यहाँ पे आपको फंक्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं एक एक करके दिखा देता हूँ आपको क्या क्या काम करता है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो या फिर मोटर वाइंडर हो या फिर कोई रेफ्रिजरेशन का काम करते हो तो आपके लिए बेस्ट है। देखिए ये जो है यहाँ पे AC लिखा हुआ है, यानी कि AC हम एम्पियर चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ तो अभी देख सकते हो यहाँ पे ऑटो पे आ गया, और यहाँ पे AC लिखा आ रहा है, और A का मतलब एम्पियर होता है, ठीक है। तो एम्पियर कैसे चेक किया जाता है, जैसा कि अभी आपका वायर में करंट जा रहा है तो आपको ये क्लेम मीटर को इस तरीके से लगाना होता है, जिसमें का जो आपको लोड है यानी कि एम्पियर है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद में आ जाता है यहाँ पर हमारा जो है वोल्ट, आप जो एम्पियर के अंदर AC और DC दोनों चेक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आ जाता है हमारा वोल्ट, तो यहाँ पे आप AC और DC दोनों वोल्ट से चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ, और ये देखिए यहाँ पे ऑटो पे आ गया है, और यहाँ पे आपको DC दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप जो है सिलेक्ट का बटन दबा के इसे AC में कर सकते हो। और साथ ही आपको यहाँ पे NCV मिल जाता है, तो इसका क्या काम होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसा कि मेरे पास ये एक तार है जिसके अंदर करंट है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए टेस्टर का लाइट चालू हो रहा है। तो इसका काम क्या रहता है, देखिए जैसा कि मैं यहाँ पे इसे लाऊँगा,
यहाँ पे देखिए एनसीवी की लाइट यहाँ पे ऑन हो रही है, यहाँ पे टूटू की आवाज़ भी आ रही होंगी आपको। तो यानी कि अगर आपका फेस वायर बीच में से कट जाता है तो आपको डिटेक्ट करने के लिए बहुत बेस्ट है। देखिए इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हो और आसानी से आप जो पता लगा सकते हो कहाँ से हमारा वायर जला है या फिर ब्रेक हुआ है। और इसके बाद हमें आपको मिल जाती है यहाँ पे चार फंक्शन, तो इसके हम थोड़े बाद में लास्ट में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे फ्रिक्वेंसी चेक करने के लिए मिल जाती है, यानी कि हर्ट्ज जो लाइन में आपकी आती है, और साथ ही यहाँ पे आपको टेम्परेचर चेक करने के लिए जो कि आपको ये लगाना होगा यहाँ पे, अच्छा तब आप यहाँ पे जो है टेम्परेचर चेक कर पाओगे सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी, ये जो है, लेकिन ये यूज़ करने से पहले आपको ये बटन के जो है यूज़ आना चाहिए क्या है, तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये जो है मैक्स और मिनिम, यहाँ पे जो लिखे हुआ है मैक्स और मिन, इसका मतलब मिनिमम और मैक्सिमम। तो इसका जो है आप जो वैल्यू चेक करेंगे, यानी कि आपको जो मैक्सिमम वैल्यू आएंगी और जो मिनिमम वैल्यू आएंगे, तो अगर आप इसको दबाते हो तो आपको वो शो होगा। ठीक है, और ये जो है ये रेंज, यानी कि इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो ऑटो में या फिर मैनुअल में, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसे मेगा ओम में। ठीक है, जैसे मैं इसको यहाँ पे ऐसा प्रेस करके रखूँगा तो देखिए यहाँ पे ऑटो लिखा आ रहा है, मतलब अभी ये जो है ऑटो में काम करेगा। ठीक है, और इसको अगर मैं दबा देता हूँ यहाँ पे तो ये मैनुअल में हो जाएगा, यानी कि मैनुअल बोले जैसे हम पहले चेक करते थे रोटर स्विच, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप जैसा, तो ये मैनुअल में हो जाएगा। ओके, तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पे ये जो बटन का काम क्या है, जब भी इसको आप दबाओगे तो यहाँ पे जो अलग अलग फंक्शन जो है सेलेक्ट होंगे, जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यूटी पे आ गया, जैसे कि मैं देखिए टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको कंटिन्यूटी। ये देखिए मेरे पास ये प्रॉप है, इसको टच किया मैंने, यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है और साथ ही आपको टू की आवाज़ भी आ रही होगी, ये कंटिन्यूटी थी। फिर से मैं यहाँ पे जो है सिलेक्ट का ऑप्शन दबाता हूँ तो यहाँ पे आ गया नैनो फैरेड, यानी कि ये हो जाएगा कैपेसिटर का। और अगर इसको आप एक तरीका प्रेस करके रखते हो, जैसे कि यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, देखिए ये वाली लाइट ये ऑन हो जाएंगी, फिर से इसको अगर आप प्रेस करके रखते हो तो ये ऑफ हो जाएंगी। ये जैसा जो हमारा वायर वगैरह अंधेरा में अगर दिखता नहीं है उसके लिए है। और देखिए ये जो नीचे के जो बटन है, ये हर्ट्ज ड्यूटी, यानी कि ये तो वही है जो लाइन में आपके फ्रिक्वेंसी वगैरह चेक करने के लिए, अगर आप वोल्टेज चेक करो अगर इसको दबा देते हो तो डायरेक्ट आप जो फ्रिक्वेंसी चेक कर पाओगे इसकी, ये नहीं उसके बटन उसके लिए काम में आता है ये स्विच। और साथ में जो ये रील का जो ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए हमने अभी यहाँ पे कुछ कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे फिर भी वैल्यू आ रही है कुछ, तो इसको जीरो जीरो करने के लिए, यानी कि क्लियर करने के लिए ये स्विच है। जैसे इसको आप दबाओगे तो सब जीरो जीरो हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से। और ये जो ऑप्शन है सिर्फ आपका जो है इसमें काम करेगा, एम्पियर में, वोल्टेज में, डीसी, और यहाँ पे जो नैनो फैरेड में, इसमें कुछ कुछ ऑप्शन में ही काम करता है, हर्ट्ज में इसमें काम नहीं करेंगे। और साइड में आपको एक बटन मिल जाता है जो होल्ड करके, यानी कि आप डाटा कुछ होल्ड कर पाओगे यहाँ से, जैसे यहाँ पे आपकी कोई अगर रीडिंग आई, जैसा कि कुछ देखिए यहाँ पे जैसे कि कुछ अगर रीडिंग आई आपकी दो, तो मैंने इसके यहाँ से होल्ड कर दिया, तो देख सकते हो यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप जैसे दबाओगे तो दोबारा वो जीरो में आएगा, देखिए यानी कि आपका जो है वैल्यू शो करेगा। और आप इसको अगर एक सरी का दबा के रखते हो तो आपका जो डिस्प्ले का लाइट है वो ऑन हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से। और इसका अगर लाइट आपको ऑफ करना है डिस्प्ले का, तो उसको दोबारा से होल्ड बटन को दबा के रखिए, एक सरी का ऑफ हो जाएगा, इस तरीके से काम करता है। अब हम यहाँ पे देखिए एम्पियर तो आपको चेक करना आता है, क्योंकि इतना कोई खास बात नहीं है, एम्पियर पर सिलेक्ट करना है, बस आपको लगा देना है, ऑटो में चेक हो जाएगा। वोल्ट कैसे चेक करना है, देखिए वोल्ट में सिलेक्ट कर लीजिए, अब यहाँ पर डीसी एसी करना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, एसी करने का है बस, यहाँ से आपको दोनों प्लग एसी में लगा देने, यहाँ पर आपको एसी वोल्टेज शो हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे एनसीवी तो मैंने आपको बता दिया है, आप आ जाते हैं मेन वाले, क्योंकि ये जो है मेन ज़्यादा यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिशियन। और देखिए यहाँ पे जो है मेरे को बेस्ट ऑप्शन ये लगा इसके अंदर कि यहाँ पे जो है कैपेसिटर चेक करने का ऑप्शन है, क्योंकि मैं मोटर वाइंडिंग का इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, कैपेसिटर का बहुत ज़्यादा काम पड़ता है ख़राब हुआ है नहीं चेक करने के लिए। तो यहाँ पे आपको मैं चेक करके दिखाऊंगा कैसे चेक करना है आपको। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए यहाँ पे जो है रेसिस्टर का ऑप्शन बता रहा है, रेसिस्टर कैसे चेक करना है, देखिए यहाँ पे मेरे पास एक रेसिस्टर है जो कि 330 ओम का है, जिसे हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे ऑटो में सिलेक्ट कर रखा है मैंने इसे। आप देखिए मैं जैसे इसको यहाँ पे लगाऊंगा तो इसने 330 ओम का है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लगाया, ये डिटेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे आपको ओम का सिम्बल दिख रहा हूँ, यहाँ पे 324 ओम दिख रहा हूँ, थोड़ा सा रीडिंग आगे पीछे होता है लेकिन आपको उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही यहाँ पे मेरे पास 1K का भी रेजिस्टर है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे चेक करके। तो यहाँ पे मैंने इसे लगाया, अभी देखिए 0.9 आपको दिखा रहा हूँ के, यानी कि 1K के आसपास ऐसे मान सकते हो, क्योंकि थोड़ा आगे पीछे रीडिंग होता है फ्लक्चुएट, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप देखिए ये तो हमारा रेजिस्टर में था, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ काय में आ गया ये, हाँ डेबिट में, अगर आपका डेबिट अगर आपको चेक करना है तो डेबिट का जो वैल्यू रहता है 0.5 रहता है। चलिए हम डेबिट को भी चेक कर लेते हैं, 0.5 आता है या नहीं, देखिए आ गया 0.5। अगर आपका शॉर्ट रहेगा तो इस पोलरिटी पलटाने के बाद में आपका जो शॉर्ट दिखाएगा, ऑयल के जगह यहाँ पे कुछ रीडिंग शो करेंगे आपको, तो ये शॉर्ट रहेगा, ऑयल दिखाना है मतलब ये सही है।
एक साइड में ऑयल बोले तो खाली होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे कि देखिए, जैसे मैं इसको टच करूँगा तो यहाँ पे शो रीडिंग शो करेंगे, ऑयल मतलब खाली, कुछ भी नहीं। और लास्ट में हमारा जो मेन ऑप्शन है, जिसकी वजह से मैंने इसको बाय किया है और मुझे इस वजह से मीटर जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया है, वो मेरा फेवरेट ऑप्शन जो है, ये तो कंटिन्यूटी है हमारी, ये तो आप सबको पता है, यहाँ पर टच करूँगी तो कंटिन्यूटी आएंगी, ये वाला ऑप्शन जो कि कैपेसिटर चेक करने का, नैनो फेरेड, माइक्रो फेरेड जो भी है। तो यहाँ पे देखिए, मैं मोटर वाइंडिंग का काम करता हूँ इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है कहीं पर भी। देखिए यहाँ पे 50 UF, यानी कि UF बोले तो माइक्रो फेरेड होता है, ठीक है। अभी मैं इसको आपको चेक करके दिखाऊंगा, यहाँ पे रीडिंग देखिए एक्यूरेटी आपका ये जो शो करेगा। तो मैं एक प्रॉप इसको लगा देता हूँ, अभी मैंने इसको जो है उसमें सेलेक्ट कर दिया है कैपेसिटर के वैल्यू में चेक करने के लिए। जैसे देखिए मैंने इसको लगा दिया है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा 2-3 सेकंड, देखिए यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, दिख रहा है आपको 50.7। तो 7 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो 50 है यानी 50, और यहाँ पे देखिए UF दिख रहा हूँ आपको। देखिए थोड़ा सा मैं इसको डाटा को होल्ड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो दोस्तों देखिए 50 UF, यू जो है ये माइक्रो होता है, ये माइक्रो का सिंबल है। यहाँ पे भी आप जो कैप इस पे भी देख लीजिए 50 यहाँ पे लिखा हुआ था, 50 UF। इस तरीके से जो है कैपेसिटर को बहुत आसानी से चेक कर सकते हो। और मेरे पास यहाँ पे कुछ और कैपेसिटर है, जैसे कि यहाँ पे दो फैन के है, तो ये वाला जो है चालू कैपेसिटर है 2.5 mFD का, यानी कि ऑन है ये, ख़राब हुआ नहीं है। और एक मेरे पास 2.5 mFD का है जो कि ख़राब हुआ भाई, लूज़ हुआ भाई। इसे भी कैसे चेक करेंगे वो देख लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे मैं इसे 0.1 कुछ रीडिंग आ रहा है, तो मैं 0.0 कर देता हूँ, इसको दबा के आपको जो है 0.0 कर देना। तो ये रहा हमारे प्रॉप। सबसे पहले हम जो है जो ऑन वाला कैपेसिटर है 2.5 mFD का, उसे चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करना होगा 2-3 सेकंड। ये देखिए आ गया रीडिंग, अभी 2.6 mFD माइक्रो फेरेड यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये थोड़ा 1 पॉइंट ज़्यादा दिखा रहा है, इससे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके आसपास तो दिखा रहा है ना 2.5, सही है मतलब। और ये ख़राब वाला है जिसका जो है लो वाइब है, जिसके रीडिंग कम आना चाहिए। अब देखते क्या शो करता है। हाँ तो देखिए 1.1 UF दिख रहा है आपको, यानी कि लूज है, ख़राब हुआ भाई, जबकि इसकी वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है 2.5 है माइक्रोफेरेड। तो इस तरीके से दोस्तों आप चेक कर सकते हो। तो मीटर तो मुझे जो है ये बेस्ट लगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो या फिर मोटर वाइंडिंग का काम करते हो, रेफ्रिजरेशन का, तो आपके लिए बेस्ट है ये, आप परचेस कर सकते हो इसे। जो है मैंने इसे अमेज़न से जो है मैंने इसको 1750 रुपये का बाय किया है। अगर आपको ये बाय करना है तो जो आपको लिंक है इसका वीडियो का, ये सॉरी मीटर का, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है जाके बाय कर सकते हो। बाकी अगर आपको सेल वगैरह रही तो आपको कम में भी मिल सकता है, अभी तो जो है मुझे 1750 रुपये का मिला है। बाकी इसकी स्विच की क्वालिटी वगैरह आप देख सकते हो, खन खन एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी स्विच वगैरह का मैंने आपको फंक्शन वगैरह बता दिया है, जो कुछ भी है ये सब। वेट में भी अच्छा, भारी भर का में सिर्फ एक थोड़ा आपको इशू आएगा, क्योंकि दिखने में थोड़ा बड़ा है, लेकिन वर्किंग जो है एकदम प्रॉपर करता है, क्योंकि 1700-1800 में आपको और क्या चाहिए, मुझे तो बेस्ट लगा एकदम। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसका मॉडल नंबर भी देख लीजिए अगर आपको चाहिए तो। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, मॉडल नंबर आप देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और नए चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।